देखो सानू का हालत क्या है, पूरा हाथ उसका ग्रीन ग्रीन हो गया है और पिंक कलर हो गई ग्रीन। नानू यू एंजॉयिंग? यस। हैप्पी होली टू एवरीवन। हैप्पी होली। आधा पौना घंटा हो गया उसको खेल के, लेकिन उसका पेट नहीं भरा, उसको और खेलना है, दूसरा कलर लेने आ गई है। इसका होली स्पेशल नाश्ता हो गया रेडी, मस्त ऑमलेट विद पाव, और अभी चाय निकालती हूँ। होली चालू हो चुका है, सानू का तो धमाल चल रहा है, पूरा भीग गई। मैं उसको बोला 10 मिनट और, कहाँ गई सानू? ये देखो सानू, देखो तू तो तोड़, पूरा भीग गई है सानू तो, इतना एंजॉय करे उसको अंदर ही नहीं आना। 10 मिनट्स करके उसने आधा घंटा कर दिया। मैम हैप्पी होली बोल दो। हैप्पी होली। और अभी हम लोग का तो होली हो गया स्टार्ट, हो गया खत्म, हो गया खेल के, अब 11 बज गए। और हम लोग को भी देखो सानू ने क्या कर दिया, मैंने भी आजू बाजू में जो भी दीदी लोग थे उनको जाके लगाया, मम्मी को लगाया, है ना, अच्छे से गया हम लोग का होली। सिंपल, पहले हम लोग बचपन में तो इतना एंजॉय करते थे, बाप रे क्या धमाल करते थे, वैसा होली तो अभी रहा नहीं क्योंकि सब बड़े हो गए, सबके शादी हो गए, और जो हम लोग के बड़े थे वो भी और बड़े हो गए, तो उन लोग भी कहाँ कहाँ चले गए। तो अभी पहले जैसा होली होता नहीं ना, जो हम लोग पहले गए, मैं और मेरा भाई तो बलून को लेके इतना झगड़ा करते थे, वो मेरे बाल्टी में से भी ले लेता था, और बेचारी मेरी मम्मी हम दोनों के पीछे पीछे रहती थी कि झगड़ा मत करो, अपने अपने बाल्टी में से लेके खेलो। बट इट वॉज फन जो हम लोग ने बचपन में एंजॉय किया, इसलिए मैं सानू को ना यहाँ पे ही लेके आती हूँ ताकि वो भी जैसे हमने एंजॉय किया वैसा एंजॉय कर सके एकदम धमाल करके। तो वो देखो पूरा भीग गई, अभी उसको लेके जाऊंगी निलाने के लिए ना। मैं दिस इज नेक्स्ट डे। कल का होली का तो उतना ही शूट हो पाया, उसके बाद पूरे दिन भर में कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाई। उसका रीज़न भी है क्यों नहीं शूट कर पाई, क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया था ना, मैंने इतना सारा ज्वेलरी का स्टॉक, 4 बॉक्सेस जो मैं लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जन को मुझे दिखाना था, मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव जो थे आजू बाजू के नेबर्स है उनको दिखाना, क्योंकि अभी वेडिंग सीज़न आ गया ना, बहुत सारे जन के यहाँ पे वेडिंग है, किसी के गाँव में वेडिंग है, कोई यहाँ पर ही है, अप्रैल में है, मई में है, तो सब लोग के पास बोलते ना अपना सब ड्रेसेस वगैरह रेडी हो चुका है, तो उनको मैचिंग पे सब आउटफिट्स के साथ चाहिए था ज्वेलरी, तो वो सब मैं लेकर आई थी। तो कल आई स्टार्टेड समवेयर अराउंड एट 6 o'clock, 6 बजे हम लोग बैठे, मतलब 6 बजे स्टार्ट किया, ऐसे करते करते एक के रेफरेंस से दूसरा, दूसरे के रेफरेंस से तीसरा, करते करते मेरे सारे आजू बाजू के नेबर्स लोग आते ही जा रहे थे बैक टू बैक। तो 6 बजे हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो वो ख़त्म हो गया 8:30 बजे। उसके बाद वापस रात को मेरे नेबर्स है 2 घर छोड़ के, उनको भी पता चला कि मैं वो झुमका वगैरह लेकर आई थी नए पैटर्न वाले, तो उनको भी चाहिए था, ब्रेसलेट चाहिए था, तो उनके घर वापस पे गई, कितने बजे, 10:30 बजे गई, 11:30 बजे आई। उसके बाद फिर बाकी का सारा वाइंड अप हुआ, तो इट वॉज़ अ वेरी हेक्टिक डे, इसके मैं कुछ भी बीच में शूट नहीं कर पाई, वो दिखा भी नहीं पाई पूरा प्रोसेस आप लोगों को, कैसे हम लोगों सब साथ में बैठ के वो ज्वेलरी पूरा आउटफिट के साथ वो लोग सब लेके बैठे थे, सबका ड्रेसेस का या ब्लाउज लेके उसके साथ कलर कॉम्बिनेशन में कौन सा ज्वेलरी मैच होगा, कौन सा ब्रेसलेट, कौन सा झुमका, तो इतना कल सच में डे हेक्टिक, बट एंजॉय किया मैंने, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं जो ज्वेलरी लाई वो लोगों को पसंद आ रहा है, उसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स वो लोग दे रहे हैं। आई नो कि आपका मेरा सबसे बेस्ट USP ऑफ सेलिंग क्या है, इज़ द बेस्ट प्राइस। अभी यही चीज़ आप मार्केट में जाओगे तो आपको 300, 350, 400 का मिलेगा, वही चीज़ यहाँ पे उनको घर बैठे बैठे इतने बेस्ट प्राइस में 200, 150, 250 में मिल रहा है, तो कोई क्यों छोड़ेगा ना, जब अपने आउटफिट के साथ इतने सुंदर सुंदर झुमका, ब्रेसलेट, सेट सब मिल रहा है, और वो भी इतने रीज़नेबल रेट में मिल रहा है, तो उनको सबको पसंद आ रहा था ना, एवरीबडी स्टार्टेड टेकिंग जो उनको पसंद आया, तो बहुत अच्छे से गया कल मेरा दिन, इसलिए मैं कुछ भी आगे शूट नहीं कर पाई। तो ये आज का डे स्टार्ट हो चुका है, और सानू का मामा उसके लिए मैंगो लेकर आया, तो सानू इज एंजॉइंग द मैंगो, उसको बोला नीचे बैठ के खा क्योंकि तू पूरा ख़राब ना कर दे, तो नानी ने उसको नीचे चटाई डाल के दिया, उसमें ये देखो
एक मैंगो खा के ऑलरेडी हो चुका है मैडम, अभी दूसरा बोल रही है क्योंकि मीठा है ना, तो नानी को बोल रही है नानी एक हो गया मेरे को दूसरा भी चाहिए, तो नानी बोली ठीक है नीचे बैठ के खा ले, गो डाउन फर्स्ट नानो, फर्स्ट से हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, यू आर एंजॉयिंग नानीज प्लेस, कितना पढ़ाई नहीं है ना, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं है, अभी यहाँ पे जो दो तीन दिन वो है तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं है, और पूरा धमाल एंजॉय करिए, नानी इतना यम्मी यम्मी खाना बना के उसको खिला रही है, लाड हो रहा है इतना, नानू घुमाने लेके जा रहे हैं, मामा आज घर पे है उसको भी छुट्टी है, तो मामा सुबह उसको लेके गया घुमा के लेकर आया, तो सानू की तो पूरी मज्जा ही हो रही है। सो यस द डे हैड स्टार्टेड और आज मम्मी ने मस्त राजमा बनाया, मेरा फेवरेट, उस दिन भी मेरा फेवरेट खाना बन गया था, आज भी राजमा चावल है, सैलेड है, पापड़ है, तो बस अभी खाना तो रेडी हो चुका है लेकिन खाना खाने के लिए टाइम है। आज सब मम्मी ने मेरा एकदम फेवरेट खाना बनाया, राजमा चावल तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट, मुझे इतना पसंद है, और ये रहा राजमा चावल। अभी आप ऐसा सोचना नहीं मैंने चावल इतना सारा लिया है, ऐसा कुछ नहीं है, चावल थोड़ा सा लिया है उसको स्प्रेड कर दिया है और बीच में ऐसा गैप करके ना मैंने राजमा डाले, क्योंकि मुझे चावल कम पसंद है और राजमा ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सिर्फ ज़रा सा चावल लेके उसको स्प्रेड कर दिया और फिर उसमें राजमा डाला है, तो मुझे ऐसा ना मस्त राजमा चावल खाना पसंद है, तो चावल थोड़ा सा ही इसमें, तो आप बोलोगे इशिता कितना चावल ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है, राजमा इसमें ज़्यादा है, और ये ड्रम स्टिक का है, इसको मम्मी ने बॉईल किया और राई का तड़का दिया है, उसमें मिर्ची डाला है, कांदा डाला है और बॉईल वाला ड्रम स्टिक, हल्दी नमक डाला है और ऊपर से फ्रेश गीला हरा नारियल होता है ना उसको किसके डाला है, बहुत ही टेस्टी लगता है एकदम सिंपल। ये पापड़ अचार एंड माय फेवरेट सैलेड विथ मिर्ची, तो इससे बेस्ट फूड आज का क्या हो सकता है, नाउ आई कांट वेट मोर। और इसमें थोड़ा सा घी भी डाला है मम्मा ने, घी के साथ अच्छा लगता है, अगर आपको घी नहीं पसंद है तो विदाउट घी ऑल्सो यू कैन एन्जॉय, तो आई कांट वेट एनी मोर, अभी मैं मस्त मेरा यम्मी सा लंच करने वाली हूँ, आप लोग भी आ जाइए राजमा चावल खाने के लिए मेरे मम्मी के हाथ का। सानू की तो इतनी मज्जा हो रही है, बार बार नानू के साथ जाती है और दुकान से कुछ ना कुछ लेके आते हैं, नाउ व्हाट यू गॉट जेली शो विच कलर ब्लैक, और कैसा लग रहा है इधर नानी के पास, अच्छा, और घर पे जाना है ना, नहीं हाँ अभी तो जाना है दो चार दिन के बाद, परसों जाने वाले हो, और अभ्यास कौन करेगा, अभ्यास कोई नहीं, हाँ बदमाश, बोलने के लिए भी उसको ये नहीं हो रहा, एकदम फट से जवाब दे देती है, गार्डन जाके आई मामा के साथ, इतना सारा नानी नानू फ्रूट्स खिला रहे उसको, है ना, सानू की तो मज़ा ही मज़ा, और मम्मा की तो डांट डांट, हाँ मैं तो उसको डांट ही रही हूँ क्योंकि पढ़ाई नहीं, इसलिए मैं उसको थोड़ा ओरल्स तो कर मेरे साथ, अभी जय नानी आपको मारती, नानी मेरे को डांटेगी, हाँ क्योंकि मैं सानू को डांटती हूँ तो सानू की नानी मुझे ही डांटती है। सानू अब भी उसके नानू के साथ जाकर रही दुकान में, क्या लाने गई थी नानू, मैं आइसक्रीम और फालूदा गई थी वो आइसक्रीम लाने के लिए, लेकिन आइसक्रीम वाला बंद हो गया, इसके लिए वो लोग क्या लेकर आए नानू के साथ, फालूदा, फालूदा लेकर आई सबके लिए, टेल गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय। सानू को देखो पूरा ग्लास भर के उसको फालूदा चाहिए, मेरे को बोलते मेरे को थोड़ा नहीं देना मम्मा मेरे को ज्यादा चाहिए, कैसा है नानू टेस्ट ऑफ द फालूदा, एक नंबर है, एक नंबर है, सानू को फालूदा भी बहुत पसंद है, आइसक्रीम भी बहुत पसंद है, अब वो उसी रात आराम से टाइम पास करते करते धीरे धीरे उसको खाएगी, है ना, बाय बाय, आप लोग भी एंजॉय करो, आप लोग भी एंजॉय करो, जैसे मैं मेरे नानी के पास कर रही हूँ, जैसे मैं मेरे नानी के पास कर रही हूँ, बाय।